हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल हरे कृष्णा आर्ट्स। आज हम वूलन ड्रेस बनाने जा रहे हैं। लड्डू गोपाल की दो नंबर के कान्हा जी की पोशाक बनाना शुरू करते हैं हम। देखो, ये दो कलर्स की मैंने ऊन ली है और इससे पहले हम आठ चेन बनाएंगे। आठ चेन बना के और उसके बाद हमें डबल क्रोशिया करने हैं। मैं अभी आपको चेन बना के दिखाती हूँ। तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ। जब साइड चेंज करते हैं तो एक चेन एक्स्ट्रा लेते हैं, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा चेन ले ली है। और अब इसके बाद में ये देखिए, यहां से लेते हैं, इसका नीचे वाला साइड होता है ना, यहां से ये एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया लेना है। ये लाइन पूरी हो गई। अब देखिए, नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए यहां पर हमें दो चेन लेनी है। ये देखिए, एक चेन और ये दो चेन। अभी लाइन चेंज करने के लिए ये देखिए, सारी चेन में से हमें डबल क्रोशिया लेना है। एक चेन में से डबल, एक में से सिंगल। ये देखिए, एक लिया, इसमें से सिंगल लिया है, इसमें से डबल लेंगे। डबल क्रोशिया दो लेंगे, देखो, एक लिया, इसी में से एक और लेना है। ये दो हो गए डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, मतलब डबल क्रोशिया सिंगल और दूसरा डबल क्रोशिया डबल, फिर सिंगल। अब अगले वाले में से डबल, यानी दो दो डबल क्रोशिया लेने हैं, एक और एक इसी में से दूसरा, फिर सिंगल डबल क्रोशिया सिंगल और फिर डबल क्रोशिया डबल, एक और एक दो। ये पूरा ऐसे लेके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दूसरी लाइन बन गई है, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, ये अपनी पूरी हो गई। अब हम अगली लाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं उनका, यानी दूसरी कलर लगाते हैं। तो दूसरा कलर लगाने के लिए यहाँ से मैं इसको अटैच करके, ये देखिए, यहाँ से अटैच कर लेते हैं। और कुछ भी नहीं करना है अटैच करने के लिए, बस एक नोट लगानी है इस तरह से। अब जो ये है ना अपना, ये चेन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें से ये अपने वाइट से स्टार्ट करेंगे। वही दो चेन लेनी है हमको, क्योंकि हमारी लाइन चेंज हो रही है इस तरह से। अब हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये है कि इसमें जो एक्स्ट्रा, ये इस तरह से हम लेते हैं ना धागा, ये धागा नहीं लेना है हमको, और सीधा ये इस तरह से, ये बस दोनों का एक कर देना है। दोबारा से बता रही हूँ, देखो, ये देखिए, दोबारा से देखो, दो हो गए और ये दो का एक कर देना है बस। थोड़ा लूज हाथ से लेते हैं क्रोशिया, क्रोशिया ज्यादा से हमें हाथ को बड़ा लूज रखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो उसमें झोल सा आने लग जाता है। इस तरह से मैं पूरी चेन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए वही दो चेन लेनी है मैंने। अब क्या है, हमको एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और तीन डबल क्रोशिया, ये तीन डबल क्रोशिया आगे बना लिए। इसके बाद में एक दो तीन चार पांच, ये हमें बाजू के लिए छोड़ने हैं इस तरह से। और फिर छठे पे हमने फिर दोबारा से वही डबल क्रोशिया बनाना है, ये वाला, ये देखिए इस तरह से, ये बाजू के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये हमने तीन लिए ना, तो यहां हमें सात लेने हैं, तो एक बैक बनाने के लिए,
दो, तीन, चार, पांच, छः, और ये सात। ये देखिए, सात डबल क्रोशिया मैंने बैक के लिए ले लिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। अब वही हमें बाजू के लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच छोड़ने हैं, है ना। तो मैं ये पांच छोड़ दिए और उसके बाद में एक, दो और तीन आगे के लिए, फ्रंट के लिए बनाना है ना। ये देखो, एक दोबारा देख लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छठे पे यहाँ से फिर वही डबल क्रोशिया, एक, दो, और ये तीसरा। ये हो गया अपना। ये देखिए, एक बार में आप देख लीजिए इसको, इस तरह से बन गया ये। ये देखिए, दोनों बाजू के लिए स्पेस हो गया और इस तरह से ये बन गया है ना। अब हमें इसको इससे अटैच करना है, इस तरह से वही सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे। अटैच करके अब अगली लाइन बनाने के लिए हमको ये कलर चेंज करना है ना। तो कलर चेंज करने के लिए इसी चेन में से इसको तो छोड़ देंगे और इसे स्टार्ट कर लेंगे अब इस तरह से। इसको थोड़ा टाइट कर लेना चाहिए पहले। ये देखो, अब क्या है, ये जो हमने नीचे वाली ये लाइन बनाई है ना, इसको पीछे कर लो। अब हर चेन में से हमको वही डबल क्रोशिया लेने हैं, दो दो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखो, एक डबल क्रोशिया, और ये दो डबल क्रोशिया। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया था और ये सारी चेन्स में से मैंने दो डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरी लाइन बना ली यहाँ तक। अब हम अगली लाइन बनाएंगे, अगली लाइन में हमको इसी तरह से बनानी है, ठीक है। सारी चेन्स में से हमको दो दो डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, एक, सेम जगह से निकालना है हमको। पूरी लाइन ऐसे ही कर लेनी है, फिर पूरी लाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लाइन पूरी कर ली है मैंने, दो दो डबल क्रोशिया हर चेन में से लेते हुए ये पूरी बन गई है ना। अब ये घेरा बनने, देखो दिखने लग गया ना घेरा, देखो बहुत ही एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना। अब हम अगली लाइन बनाते हैं। अगली लाइन बनाने के लिए मैं यहाँ से व्हाइट कलर, ये देखिए, ये अटैच कर लिया मैंने व्हाइट। अब हम यहाँ से व्हाइट कलर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है हमको, एक डबल क्रोशिया और दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और चार, सेम जगह से है ना, चार डबल क्रोशिया लेंगे। अब हमको एक और एक दो चेन बनानी है और यहाँ से चार हमको छोड़नी है, एक, दो, तीन, चार, चार चेन छोड़ दी। फिर हमको वही चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर चार चेन छोड़नी है, फिर चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर चार चेन छोड़नी है, चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, और उसके बाद में यहाँ दो चेन और बनानी है ना। चार डबल क्रोशिया, दो चेन, चार डबल क्रोशिया, दो चेन, ऐसे करके देखो मैं पूरी लाइन बना के फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए, ये लाइन पूरी हो गई है। अब हम अगली लाइन बनाने के लिए देखो क्या करना है हमको, ये इस तरह से,
दो चेन बनानी है। दो चेन बनाने के बाद में इस चेन में से एक डबल क्रोशिया, बहुत छोटा सा करना है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। इसके बाद तीन चेन लेनी है हमको, ये तीन चेन हो गई। और तीन चेन को फिर हमें ये जहाँ से स्टार्ट किया था ना, ये तीन चेन बनाना, उस चेन के अंदर हमको लेके और फिर यहाँ पर हाफ क्रोशिया कर देना है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसके बाद में हमको फिर नेक्स्ट कैसे करना है, एक चेन बनानी है, फिर हमको अगली चेन में से, देखो ये ना, इसमें से एक डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, एक स्टार्ट की थी वहाँ से ही, ये देखो इसको अंदर लेके और एक हाफ क्रोशिया करना है हमको, ये इस तरह से। थोड़ा टाइट हो गया, ये थोड़ा लूज लेना है हमको, है ना, ये देखो इस तरह से, ये देखो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर वही एक चेन, फिर दोबारा से हमें तीसरी चेन में से लेना है एक डबल क्रोशिया, ये, और फिर तीन चेन, एक दो तीन, और जहाँ से स्टार्ट की थी चेन वहीं से हमको एक हाफ क्रोशिया बनाना है, ये देखो इस तरह से, ये दो का एक, ये इस तरह की वो बन जाएगी, देखो बहुत सुंदर लगेगा। और इसके बाद में हमको यहाँ से एक चेन बना के इसको यहाँ से अटैच कर देना है और वही हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद में एक क्रोश, एक चेन बनानी है, और एक चेन बनाने के बाद फिर दोबारा से वही चेन में से लेना है एक डबल क्रोशिया, तीन चेन, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से एक हाफ क्रोशिया, ये देखो ये बनता जा रहा है ना इस तरह का। फिर एक चेन इस तरह से, एक चेन लेनी है और फिर अगली चेन में, देखो ये एक चेन होगा, ये दूसरी चेन में से लेना है एक डबल क्रोशिया, तीन चेन, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, तीन चेन, और जहाँ से ये चेन स्टार्ट की थी ना पहली चेन, वहाँ से ये हाफ क्रोशिया करना है। ये पूरा आपको मैं बना के, ये देखिए ये पूरी लाइन बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे इसको जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर अटैच कर देना है ना, उसी जगह पर अटैच कर दिया, इस जगह पर देखो। और अब हमको इस धागे को काट देना है। इस धागे को काटने की भी टेक्निक ये होती है कि जो ये देखो, ये हम जैसे हमारी ये है ना, तो इसमें से जो धागा एक तो खिंच रहा है, ये वाला है, और एक ये वाला है, तो इसको हमें काटना है। ये देखिए यहाँ से इसको काट देंगे और दूसरे वाले को खींच लेंगे, ये देखो ये आ गया, ये हो गया, इसको भी काट देते हैं, इसको नीचे लेकर मैं काट लेती हूँ, ये देखिए, इन सारे एक्स्ट्रा धागों को हटाने के बाद में हम ये कान्हा जी को पहना कर देखेंगे। ये देखो ये बन गई है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर वाइट कलर से आउटलाइन भी कर सकते हैं, ये जो ऊपर है ना गले गले में, यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि इधर तो आ ही चुकी है बाजू में, तो यहाँ पर भी हम हाफ क्रोशिया से करना है हमको, है ना। और ये देखो ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अभी इसके बाद हम टोपी बनाएंगे। ये देखिए टोपी बनाने के लिए मैंने छः चेन बना ली, और छः चेन बनाकर अब हमको इस तरह से इससे अटैच कर देना है इसको, ठीक है, हाफ क्रोशिया से। अब देखो यहाँ से अंदर से ये जो गोला बना है ना, इसके अंदर से हमको डबल क्रोशिया बनाने, एक दो तीन। ये देखिए ये जो गोला बनाया था ना, उसके बीच में से 16 डबल क्रोशिया हमने ले लिए, देखो ये यहाँ से गिनोगे तो 16 बैठेंगे, है ना। अब हमको इससे अटैच कर लेना है इस तरह से हाफ क्रोशिया से, ये इस तरह से बस। अब क्या करना है, इसमें से हर चेन में से डबल डबल लेना है, डबल क्रोशिया दो दो बार लेना है, एक बार ले लिया, एक बार ले लिया। हालांकि टोपी थोड़ी बड़ी बनने वाली है, पर ये देखिए इस तरह से मैं आपको लेके पूरी डिजाइन। अगली लाइन बनाने के लिए ये व्हाइट कलर का यूज़ करने वाले हैं, तो व्हाइट कलर मैंने अटैच कर लिया है। व्हाइट कलर अटैच करके अब यहाँ से हमको ये डबल क्रोशिया ना करके सिंगल क्रोशिया करना है यहाँ से हर चेन में से, ठीक है, ये देखो इस तरह से। ये गलत हो गया,
जाती है इस तरह से। हर चेन में से ऐसे लेते जाना है, ये देखो। सिंगल क्रोशिया तो समझ में आ गया होगा आपको, ऊपर से धागा नहीं लेना है और बस दो का एक करते जाना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए समझ में आ रहा है ना। ये देखिए लाइन बन गई, डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया ही बनाना है और अब एक और लाइन और बना लेनी है, ठीक है। बीच बीच में क्या करेंगे, इसमें दो तीन बना लेंगे फिर एक छोड़ देंगे, दो तीन बना लेंगे फिर एक छोड़ देंगे। देखो ये वाला एक दो तीन बन गया, तीन थोड़ा टाइट लेना होता है यहाँ से, है ना। और फिर इसके हमें एक छोड़ दो और फिर एक ले लो, छोटा करना है ना इसको हमको, तो इस तरह से तीन करके एक छोड़ दो, तीन करके एक छोड़ दो, एक दो तीन, अब एक छोड़ दिया, फिर तीन करके एक दो, वही सिंगल क्रोशिया बनाना है हमको, तीन डबल क्रोशिया की दो लाइन करनी है। अब इसके बाद में एक चेन बनानी है और एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, और ये चार धागे हो गए ना अपने, देखो इन चार धागों का एक धागा करके और दो का एक कर देना है। अब इसको हाफ क्रोशिया से अटैच कर देना है, एक चेन, दोबारा से देख लो इसको, एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी बार डबल क्रोशिया और चार का एक फिर दो का एक, और इसको अटैच कर देना है यहाँ पे, ये दो का एक। ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। अभी मैं ये सारा आपको बना के दिखा, ये लाइन पूरी कर ली है और ये देखो ये कैप बनकर तैयार हो गई है। इस ये जो धागा निकल रहा है इसको भी अंदर ले लेते हैं कुछ इस तरह से, एक मिनट करके। ये देखिए ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई और ये कैप बनकर तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी है, आपको कैसी लगी ये ड्रेस? आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।